हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल व्हील्स अड्डा। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो, जो कि है कार हुंडई i10 ग्रांड। स्पोर्ट्स वेरिएंट इस गाड़ी का। ये गाड़ी मेरे फ्रेंड संदीप जी ने ली है CNG के साथ में, क्योंकि उनका पर्पस जो था इस गाड़ी का, वो डेली ऑफिस गोइंग कार ढूंढ रहे थे अपने लिए। तो यही एक रीजन था जिसकी वजह से वो एक CNG वेरिएंट पे गए। तो उस गाड़ी के बारे में ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आपका ज्यादा समय खराब करते हुए, मैं सीधे संदीप जी से बात करूंगा। हेलो संदीप। हेलो जय, हाउ आर यू? फाइन फाइन। तो आपने ये हुंडई i10 कब परचेज की थी? ये मैंने अगस्त 2019 में ली थी। कोई स्पेसिफिक रीजन i10 पे ही जाने का? एक तो मुझे जो मैंने इसके रिव्यूज देखे थे कि ये सॉलिड कार है, जो हुंडई ब्रांड है, एक मेरा जाने का वजह ये था। इससे पहले मेरे पास हुंडई की नॉर्मल i10 कार थी, एरा मॉडल, तो वो मैं यूज़ किया हुआ था, तो मैं इसी ब्रांड में जाना चाह रहा था। और दूसरा वजह ये था कि मुझे सीटिंग के ड्राइविंग के हिसाब से बहुत ही स्मॉल कार चाहिए थी और इकोनॉमिकल वैल्यू वाली कार चाहिए थी, जिसमें मैं डेली उसको यूज कर सकूँ। आइडियली कह सको तो मुझे बाइक का रिप्लेसमेंट चाहिए। ओके। नहीं, क्योंकि आपने गाड़ी CNG वेरिएंट के साथ में खरीदी है, और मारुति की जितनी गाड़ियाँ आती हैं वो कंपनी फ्री CNG के साथ में आती हैं, जबकि हुंडई कंपनी फ्री CNG ना देख के डीलर आपको अपनी वारंटी के साथ में ऐड करके CNG देता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। मारुति में CNG की अगर बात करें तो ज़्यादा ऑप्शंस थे, कंपनी फिटेड थे। लेकिन अगर मैं देखूं कि मुझे जो इंफोटेनमेंट एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो के साथ चाहिए, तो वो उनकी कार्स में, छोटी कार्स में नहीं थी। इसकी कंपटीशन में सिलेरियो वगैरह थी, जिनमें ऐसा कुछ फीचर्स था नहीं। और ये 1200 सीसी की कार है, तो पावर भी बहुत ही बेहतरीन मिलती है। इसको अगर आप कहीं लेके जाते हैं ओवरटेक करना है, तो आपको इसमें ऐसी कोई लैगिंग नहीं आती है। और फास्ट पिकअप है इस गाड़ी का, जो मैं पहले i10 चलाया था, तो उसके हिसाब से मुझे ये सारी फीचर्स। इसके व्हील्स आप देखोगे तो थोड़े अच्छे हैं, चलने में स्टर्डी है सिटी में, और पार्किंग के लिए भी आसानी है। तो ये सब देख के मैंने इसके ऊपर जीरो किया था। ओके, तो नो डाउट, हाँ, हुंडई की बिल्ड क्वालिटी मारुति से काफ़ी अच्छी है, हम भी इस बात को एग्री करते हैं। राइट। अच्छा, ये गाड़ी आपका माइलेज लगभग कितना देती है? देखिए, इसमें मैंने CNG ऑप्ट करी थी, कंपनी फिटेड तो नहीं, बट डीलर ने फिट करवा के दिया था। जो हुंडई है, ये इनका अपना खुद CEV इंजीनियरिंग नाम से एक इनका खुद का वर्कशॉप है, जो कोरियन ओन्ड है, और वो वहीं पे इसकी फिटमेंट करते हैं CNG की अपनी गाड़ियों में, तभी वो वारंटी को एक्सटेंड करते हैं। तो जो मैंने इसकी ली थी, तो 3 ईयर्स की वारंटी वहाँ से लेने की वजह से मेरे को कंपनी के द्वारा दी गई। और क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया आपका, क्या एग्जैक्टली आप क्या जानना चाह रहे थे? तो मैं जानना चाह रहा था आपसे कि ये गाड़ी आपने जो ली थी, ये माइलेज कितना देती है? ये माइलेज जो है, देखिए, ये अगर आप पेट्रोल में चलाएंगे तो सिटी में आपको 13 से 15 का माइलेज मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हैं और ट्रैफिक सिचुएशंस क्या हैं। और इसके अलावा 13 से 15 ऑन पेट्रोल CNG पे क्या देती है? CNG पे जो है ये लगभग आपको 20 से 25 पर केजी। इसमें 8 केजी जो है गैस आती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 190-200 किलोमीटर चल जाती है सिटी में। और हाईवे पे इसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, अगर आप एक अच्छी नियत स्पीड में चलाएं, कह लीजिए अगर आप 90 से 100 के बीच चलते हैं हाईवे में, या जैसे आप यहाँ से आगरा जाते हैं एक्सप्रेसवे पे, तो आपको जो है ये बड़े आराम से 30 किलोमीटर तक जो है, 30 तक का माइलेज देगी। हाँ, आप कह लीजिए कि 250 किलोमीटर तक चल सकती है 8 किलो की गैस में। अच्छा, ये गाड़ी आपने ड्राइव कितनी कर दी अब तक? ये लगभग 14,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसमें अभी मेरा लॉन्गेस्ट ट्रिप था, मैं होम ट्रिप भी करके आया इस गाड़ी में, जो कह लीजिए कि मेरा 2,500 किलोमीटर का ट्रिप था टोटल इन दैट होम टाउन में। यस। तो आपने एक स्ट्रैक में गाड़ी कितनी चलाई लगभग? कंटिन्यू मैंने इसको, ज़्यादातर मैं अपने बच्चों के साथ गया था, किड्स के साथ गया था, तो हमारा फोकस यही था कि हम कंफर्टेबली जाएं, ऐसे गाड़ी को चेस करके ना जाएं। तो 2-2.5 घंटे में हम एक ब्रेक तो ले ही लेते थे, 20-25 मिनट। स्मॉल ब्रेक, मतलब टी ब्रेक या टॉयलेट ब्रेक कह लीजिए, वो कर लेते थे हम लोग। तो मैक्सिमम मैंने 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाई, बट मुझे ऐसा इसमें कोई परेशानी नज़र नहीं आई, ना तो ये गाड़ी ओवर हीट हुई, ना तो हीट का मीटर गया, ना तो मेरा कूलेंट कम हुआ। तो मेरे हिसाब से मतलब ये चला सकता था मैं और भी ज़्यादा। एक स्मॉल कार, आप फैमिली वाली कार लेके, सिटी कार लेके आप हाईवे पे भी आपने 1100 किलोमीटर ट्रैवल किया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने लगभग 14,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी है,
तो आपने अभी हुंडई इसकी सर्विसेज कितनी हो गई अब तक? अभी ये मेरी एक फ्री वाली सर्विस हुई है, दूसरी हुई होगी, एक तो एक महीने में हो जाती है और एक साल भर वाली होती है, और जो है अभी अगस्त में दूसरी। तो अभी कोई सर्विस को लेके कोई कंप्लेन या कुछ इश्यूज या फिर कॉस्ट को लेके, कॉस्ट ज्यादा है कम है? देखिए अभी तक तो मेरी फ्री वारंटी वाली सर्विसेज हैं जो कंपनी की, तो अभी कोई सच इशू नहीं है। वो कुछ पेड सर्विसेज ऑफर करते हैं, वो मेरे ऊपर है कि मैं ऑफ करूं या नहीं करूं। जैसे वो ऑयल के लिए पूछेंगे कि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑयल जाना है, इसमें मैग्नेटिक जाना है, तो वो मेरे ऊपर है कोटिंग कराना है नहीं कराना है। जनरली जो इनकी फर्स्ट सर्विस में जो ऑयल के चार्जेस थे, दे आस्क्ड अबाउट दैट इन आई पेड, और होम डिलीवरी करते हैं ये, आप पहले से अपॉइंटमेंट पिक एंड मिल, बाकी सारी चीज़ें हैं और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। आप एक्चुअली प्रॉब्लम तो आप जब पेड सर्विस में जाते हैं तब होती है, तो उसके बारे में तो मैं अभी कुछ कहने नहीं चाहता। कुछ लोगों से लगता है कि मारुति है, हुंडई है, ये ब्रांड वो है जिनकी गाड़ियाँ इंडिया में ज़्यादा बिकती हैं, तो मतलब सर्विस सेंटर्स पे लोड ज़्यादा रहता है, तो दे आर अरेंजिंग प्रॉपर क्यू एंड कस्टमर को प्रॉपर टाइम दे पाते हैं उनके सर्विस सेंटर? देखिए मैं एक आपको एज ए ले मैन आपको बता दूँ कि अगर आप जिस दिन गाड़ी सर्विस कराने की सोच रहे हैं तो आप उस दिन को पूरा भूल जाइए, ठीक है। और आज की डेट में बेस्ट पॉलिसी यही है कि भैया आप उनको अपना बोल के बुक करके जाओ, आप उनको बोल दो आपके यहाँ आके पिक कर लेगा और वो आपको शाम तक दे जाएगा। अगर आप सोचोगे कि खड़े खड़े मुझे एक घंटे में अपनी गाड़ी सर्विस करा के चाहिए, तो वो मेरे को लगता है पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, और मेरे को लगता है किसी ब्रांड के साथ पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक दिन पूरी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, आप बहुत लकी हैं, तो हो सकता है हाफ डे में दे देंगे वो, और आपको गाड़ी की रिप्लेसमेंट नहीं देते हैं, ये भी है कि वो आपको कोई दूसरी चलने के लिए उसी कोई गाड़ी नहीं देंगे, तो ये है, तो एक दिन आपको देना पड़ेगा और वो आपको दे देंगे, बट आपको अपॉइंटमेंट के साथ जाना ज़्यादा उचित है, ये बेस्ट पॉलिसी। अच्छा संदीप एक चीज़ बताइए, आप ये गाड़ी लगभग 1.5 साल से यूज़ कर रहे हो, आपने चलाया तो बहुत सारी चीज़ें आपने इस गाड़ी के बारे में नोटिस की होंगी, तो हमारे व्यूअर्स के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस गाड़ी के 3 अच्छे और 3 बुरी बातें। देखिए हाँ, 3 अच्छी बातें बताएं तो, अगर आपको कम बजट या कह लीजिए मीडियम बजट में कॉम्पैक्ट और अच्छी मजबूत कार चाहिए, सबसे अच्छी बात तो यही है, और भैया कम दाम में बहुत हाई वैल्यू मिल रही है, ठीक है, और हुंडई जैसे ब्रांड का भरोसा मिल रहा है, पहली चीज़ ये है, और जो इसकी बॉडी की मजबूती कहें, दूसरी बात जो है इसकी काफ़ी स्टर्डी है, छोटी मोटी मतलब स्क्रैचेस तो आ जाती हैं लेकिन इतना जल्दी डैमेज नहीं होती अगर कहीं लड़ती भी है, तो ये इसकी दूसरी अच्छी बात है। और तीसरी अच्छी बात यह है कि ये जो है 1200 cc की छोटी कार है, दैट मीन्स कि आप बलेनो या उनसे भी कंपेयर करोगे बड़ी बॉडीज के साथ जो गाड़ियाँ आ रही हैं, तो पावर इसमें उतना ही है, तो आपको कभी ऐसा पावर लैगिंग नहीं फील होगा। आप CNG में हो सकता है आपको एक आध गियर कम करके ओवरटेक करना पड़े, बट आप बहुत अच्छा इसको फील करेंगे, स्मूथ ड्राइव, मतलब अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं, शूज आ चलाते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अरे 3 बुरी बातें किसी ओनर से पूछना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें, नहीं ऐसा नहीं है, देखो जो दुनिया में आया है उसके साथ अच्छी और बुरी हर चीज़ जुड़ी है, तो गाड़ी भी दुनिया में है तो इसके साथ कुछ ना कुछ अच्छी और बुरी बातें तो होंगी। तो इसकी जो बुरी बात अगर आप पूछ रहे हो, तो इसकी एक बुरी बात यह है कि ये बैक गियर में कभी कभार जो है इसको बैक गियर लगाओ तो लगता नहीं है, और ये गाड़ी अटकती है, अटकती नहीं है इन द सेंस कि आप एक बार में नहीं लगेगा तो आपको फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए कंपनी से भी बात करी, आप जो इसको नेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारे इसके लिए जो है वो लोग इसके निगेटिव भी उसको बोलेंगे, बट जब कंपनी से बात की तो कंपनी ने बोला कि जो है ये आपको 3 सेकेंड तक होल्ड करना है उसको लगाने के बाद, तो वो लगेगा, तो बट मुझे लगता है कि नहीं, वो 3 सेकंड होल्ड करने पे तो कभी कभी लग जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा इशू है, मतलब बैक गियर में प्रॉब्लम है, गियर बॉक्स की प्रॉब्लम नहीं कह सकते, वो मतलब उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कभी कभार आप अनॉइंग हो जाता है कि एक बार में आपका गियर नहीं लगा तो आपको वो दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं लगी, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी इसकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी और होती, बहुत ही मज़ा आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लॉन्ग ड्राइव करके आया, तो कभी कभार ब्रेकर पे मतलब ब्रेकर पे पूरा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा आपको, रुक के सलामी मार के चलनी पड़ेगी, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा अगर हाइट होती तो शायद आप उसमें कूद सकते ब्रेकर बचा के चलना पड़ेगा, चैम्बर वगैरह टच करने की प्रॉब्लम इसमें वो रहती है। और तीसरी जो प्रॉब्लम है, ऐसे सचेत अभी तो कुछ मेरे को हाईलाइट हुई नहीं है, शायद मैं कुछ और चला पाऊँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम उसके बारे में पता चले। चलिए एक बार आपकी गाड़ी की टेस्ट राइड लेकर रखें। बिल्कुल जरूर।
आपकी गाड़ी है, मालिक हुआ। तो दोस्तों अब हम है संदीप जी की गाड़ी के अंदर, तो एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन सबसे पहले हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। देन चलिए देखते हैं गाड़ी रोड पे कैसी चलती है। इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी गाड़ी में क्योंकि सीएनजी वेरिएंट है थोड़ा सा, लेकिन एक बार रन होने के बाद कहीं नहीं लग रहा है कि हम सीएनजी की गाड़ी चला रहे हैं। पावर की कोई कमी नहीं है, जैसे संदीप जी ने बोला था कि थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, गाड़ी स्टार्ट ये पेट्रोल में ही होती है। सीएनजी की जितनी भी गाड़ियां हैं ये पेट्रोल में ही स्टार्ट होती है, तो वो शायद कुछ वहां पे पत्थर रहा होगा इसलिए बंद हुई। ऐसी कोई इसमें परेशानी नहीं है, मतलब शुरू के 2-3 किलोमीटर ऑटोमेटिकली पेट्रोल में चलता है। तो आपको इसमें मिल जाता है एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एसी आपको मैनुअल मिलता है, 7 इंच का आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। तो आपने इसमें आफ्टर मार्केट संदीप जी कुछ नहीं कराया? नहीं सर, आफ्टर आपको जीपीएस भी इनबिल्ट मिल जाता है गाड़ी के अंदर। ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है इसका। अच्छा, इसमें आपका रियर एसी वेंट भी आता है संदीप जी? जी, आपका रियर एसी वेंट है और एक यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है बैक साइड में भी। ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करती है, जिसके लिए आपके फोन में ये एंड्रॉइड ऑटो डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसके बिना मैं चल नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है कि अब कोई नई गाड़ी लूंगा तो ये फीचर बिल्कुल होना मस्ट है, क्योंकि आपको फोन देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। स्टीयरिंग माउंटेड जो इसमें बटन है उस पर आप गूगल को बोल के कॉल्स कनेक्ट कर सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड फीचर आजकल स्मार्ट गाड़ियों में आ रहे हैं वो सारे इसमें हैं। ओके, तो आई थिंक एसी हमें मैनुअल है, इस क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है यहाँ पर, बस छोटी गाड़ी है तो जरूरत नहीं है। एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा है कि यहाँ पे रियर एसी वेंट भी है हमारे पास, तो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी एक अच्छा क्लाइमेट कंट्रोल होता है, गाड़ी केबिन जल्दी ठंडा हो जाता होगा। एसी एवरेज है, अगर आप एसी की बात करें तो एवरेज है, बहुत सुपर एसी नहीं है कि आपको बहुत चिलिंग वो देगा, बट ठीक है, एवरेज है। परफॉर्मेंस तो गाड़ी की काफी अच्छी लग रही है, आपका क्या कहना है संदीप जी परफॉर्मेंस के बारे में? सर वो तो आप बताएंगे, क्योंकि मैं तो मतलब एक ही गाड़ी चलाता हूँ और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं कहूंगा, और आप लोग तो दूसरी गाड़ियां चलाते रहते हैं तो नहीं मैं ज्यादा सुनी जाएगा। नहीं, मेरे पास खुद की स्विफ्ट है डीजल, तो मैं उससे भी कंपेयर करूँ तो लगभग सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे मुझे मिल रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है परफॉर्मेंस का। हाँ, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी है हुंडई की इन एज कम्पेयर टू मारुति। आपने लगभग 1.5 साल गाड़ी चला दी है लेकिन गाड़ी में कहीं भी कोई टुक टाक खटपट की आवाज अभी तक नहीं है, गाड़ी एक स्टडी मोड में अच्छी रोड को पकड़ के ग्रिप के साथ में चल रही है। आप डेली ऑफिस लेके जाते हैं इसको, रोज चलाते हैं, तो एक लाइफ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ हो जाती है। पार्ट ऑफ लाइफ है, डेफिनेटली पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसको अभी तक सच कोई ऐसी मेजर परेशानी नहीं हुई है। एक आध बार पंचर वगैरह की प्रॉब्लम कुछ, पंचर तो देखिए किसी भी गाड़ी में हो सकता है, ऐसा कुछ इसमें अभी तक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं डिस्क्लेमर जरूर डालना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि गाड़ी की असली जो परफॉर्मेंस है वो 3 साल बाद ही पता चलती है, तो वो मैं आपको चाहूंगा कि आप जरूर जब मेरी गाड़ी 3 साल की हो जाए तो आप जरूर उस समय इसका रिव्यू लें। जरूर बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे इसका रिव्यू।
बहुत जरूरी है दर्शकों को पता होना है कि मतलब कि गाड़ी का टाइम के हिसाब से गाड़ी कैसे बिहेव कर रही है। अभी तो 1.5 ईयर ओल्ड गाड़ी हुई है, बट हाँ गाड़ी चलने में अच्छी है मानना पड़ेगा। आपका मीटर दिखा रहा है 13,633 किलोमीटर गाड़ी आप टोटल चला चुके हैं अब तक। आपको MID पे आपको ट्रिप मीटर वगैरह ये सब चीजें मिल जाती हैं। 3 ट्रिप मीटर्स हैं ABC, इसमें आप डिफरेंट लागू कर सकते हैं। एवरेज गाड़ी का इंजन, इंजन का हीट मॉनिटरिंग, फ्यूल इंडिकेटर, RPM मीटर, स्पीड मीटर। अभी मैं इसका आपको CNG का भी दिखा दूंगा कि कहाँ से फिलिंग होती है और इसका कहाँ पे सेटअप है। नहीं, ये तो कंपनी फिटेड सी, आपने इसमें CNG तो आपका बैक साइड में बैक साइड नहीं है क्योंकि ये फैक्ट्री फिटेड नहीं है। दिस इज नॉट फैक्ट्री फिटेड ड्यूरिंग दैट ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस कार। दिस इज यू कैन से डीलर इज गेट फिटेड फ्रॉम देयर ओन CEV engineering that Hyundai owned only in a price. So this is exactly not aftermarket. This is during the delivery only, but not from factory. Okay. ओके संदीप, थैंक यू सर, आपने हमारे टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन और डिटेल में आपने बताई है, तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। तो व्यूअर्स, आपने देखा है कि हम लोगों ने कोशिश की है एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग द I-10 ग्रांट। तो अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो उस पर कमेंट करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि हमारे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वंस अगेन।